क्या आपने भी अपने बॉस का नंबर गब्बर सिंह, ड्रैकुला या फिर मोगैम्बो के नाम से सेव किया हुआ है? क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी में सारे मसले सिर्फ इसी एक शख्स की वजह से हैं। इसको तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। अगर यू आर डीलिंग विद अ डिफिकल्ट बॉस तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ तरीके, आजमाए हुए फॉर्मूला जिसके जरिए आप एक डिफिकल्ट बॉस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप ये अंदाजा लगाइए, बल्कि इस बात को बावर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि आर यू डीलिंग विद अ बैड बॉस और नॉट। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी नेशनल हॉबी भी है कि हम बॉस को बुरा भला कहते हैं। थोड़े दिन उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो तरीके हैं जिसकी वजह से आपको वो थोड़े बुरे लगते हैं, क्या उनका गुस्सा बहुत तेज है या वो गुस्से में लिहाज नहीं करते। ये वो चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो दूसरी सबसे अहम बात कि आपके बॉस की मोटिवेशन क्या है। हो सकता है उसकी कही भी कोई बात आपको बुरी लगती हो, लेकिन उसकी तह में जाने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पे, अगर वो आपको लॉन्ग चावल लेने से मना करते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो इस बात से खायफ हैं कि आपका काम इफेक्ट हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि सुपीरियर्स उनको एक बुरा बॉस समझेंगे कि उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा छूट दी हुई है। तीसरी अहम बात व्हेन डीलिंग विद अ वेरी डिफिकल्ट बॉस, इसको अपने काम पे असरअंदाज होने ना दें। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग जरा मुश्किल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, जबान के तेज होते हैं, लेकिन इससे आपका काम मुतासर नहीं होना चाहिए। अपने काम में परफेक्ट रहेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। चौथी सबसे अहम बात, यू हैव टू स्टे वन स्टेप अहेड। जब आप किसी डिफिकल्ट अंदाज से डील कर रहे होते हैं, या अगर आप बचपन में देखें आपके अम्मी या अब्बू ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, तो आप वो काम आगे बढ़कर करने की कोशिश करते थे जिसपे शायद आपको उम्मीद हो कि आपको डांट पड़ सकती है। यानी अम्मी के कहने से पहले ही किचन साफ कर देते थे, अब्बू के कहने से पहले ही गाड़ी में पेट्रोल डलवा देते थे। तो वही तरीका है एक डिफिकल्ट बॉस को भी हैंडल करने का। उसके कहने से पहले जो माइक्रो चीजें आपको लगता है कि उसको ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसका पहले ही ख्याल रखें। फिर एक बहुत ही अहम चीज, कभी कभार जब हम डिफिकल्ट लोगों से डील कर रहे होते हैं, ये आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। कभी कभार अपनी तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी बढ़ा देते हैं कि आपको लगने लगता है कि आपकी जिंदगी में सिवाय इनके कोई और काम नहीं रह गया। अंग्रेजी में कहावत है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यानी अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये मुमकिन हो कि आपका एक खास काम करने का वक्त है, यानी 5 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अपने बॉस की रिक्वेस्ट को या उनके रीच आउट करने को एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ मुतासर होने लगेगी देन यू आर गोइंग टू फॉल्टर एट वर्क एज वेल। फिर सबसे अहम बात ये कि ट्रिगर्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने बॉस को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जान लीजिए कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, किस बात पे उनको गुस्सा आता है। कुछ बॉसेस ऐसे होंगे जिनको टाइम पे डेडलाइन से पहले पहले चीजें चाहिए, तो आप उसका ख्याल रख लीजिए। कुछ के लिए डिटेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पीपल डोंट लीव बैड जॉब्स, दे एक्चुअली लीव बैड बॉसेस। व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल टिप। आखिरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट अवॉइड फ्यूचर बैड बॉसेस। अपने तजुर्बे से सीखिए, और अगर आपका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा तो अगली नौकरी का इंटरव्यू देने से पहले थोड़ी सी रिसर्च बॉस पे भी कर लीजिए कि आपकी रिपोर्टिंग लाइन क्या होगी। अगर उस बॉस की पर्सनालिटी आपके पिछले बैड बॉस मोगैम्बो से मिलती है, देन यू आर बेटर ऑफ अवॉइडिंग इट। हमेशा याद रखिए कि आपका वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी अपनी जिंदगी के मोगैम्बो से डील करने के लिए। बट आई हैव टू रश नाउ बिकॉज माई बॉस इज कॉलिंग, बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज़। Try to catch me howling at the moon.